हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे मॉकटेल, यानी मैं लेके आई हूँ वर्जिन मोहितो की रेसिपी। समर्स की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, बनाने में बहुत इजी है और पीने में बहुत ही टेस्टी डिलीशियस लगती है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है, 2 मिनट भी नहीं लगते बनने में। तो इसके लिए ग्लास ले लेंगे और उसमें डालेंगे 4 से 5 या 6 पुदीने की पत्तियां और 3 या 4 डालेंगे हम लेमन वेजेस या चंक्स, 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून शुगर सिरप। इसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल में मैंने दी है, आप देख सकते हो। और इसके बाद हमें क्या करना है, एक इस टाइप की चीज लेनी है, आप चाहो तो बेलन का जो पिछला हिस्सा होता है वो भी ले सकते हो। तो इसे हमें मडल करना है, यानी हमें पुदीना और जो नींबू है इन्हें प्रेस करते हुए ताकि इसके जो जूसेस है वो निकल जाए। हमें नींबू को इस तरह से प्रेस करना है ताकि इसका जो कड़वापन है, छिलके में जो कड़वापन रहता है वो नहीं आना चाहिए हमारे मोहितो में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रश्ड आइस यानी बर्फ। एक आप सूती कपड़ा ले लीजिए, उसमें जो है आइस क्यूब्स डाल के उसको किसी हैवी मेटल या किसी भी हैवी चीज से आप उसको कूट लीजिए। तो इस तरह से आप क्रश आइस का यूज कर सकते हो। और यहाँ पे 2 चुटकियां, 1 चुटकी डाला है सॉल्ट यानी नमक, कॉमन सॉल्ट जो होता है वो। यहाँ पे ये जो सॉल्ट इसलिए डाला है कि ये जो है टेस्ट को बैलेंस करेगा। और इसके बाद इसमें मैंने डाला है स्प्राइट, आप चाहो तो यहाँ पे सोडा या फिर कोई भी अपना फेवरेट कोई ड्रिंक है वो ले सकते हो, लेकिन स्प्राइट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसमें हम डालेंगे स्प्राइट और इसके बाद आप इसे दोबारा आइस डाल सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। जितनी ज्यादा आप जो है इसमें आइस डालोगे यानी बर्फ डालोगे बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। और इसे हल्के से स्पून से या फिर स्ट्रॉ से हल्के से इसे हम मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। और फिर दोबारा मैं इसे सर्व करने से पहले क्रश आइस डाल रही हूँ, कुटी हुई बर्फ, और इसे थोड़ा सा हम डेकोरेट करेंगे थोड़े से पुदीना लीव्स से। और एक स्लाइस लेमन का लिया है इस तरह से। तो लीजिए आपका मॉकटेल तैयार है, यानी वर्जिन मोहितो तैयार है और ठंडा ठंडा कूल कूल गर्मियों में बहुत ही टेस्टी लगता है और बन के बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। कोई भी गेस्ट आता है या फिर खुद ही दिन के टाइम कुछ पीने का मन करे तो आप इसे बना सकते हो, बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।